अपने वोटर से डरने वाले नहीं हम लोग। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, आज के बाद मैं आपको समझा रहा हूँ, उंगली करके बात मत कीजिए मेरे से। आज के बाद ZMCL के खिलाफ सोच कर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जी न्यूज पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। भी योगी के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की। नड्डा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के नेता भी योगी को कुछ दिन के लिए उधार मांग रहे हैं जिससे उनके यहाँ भी कोरोना को काबू में लाया जा सके। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है, नहीं ये हम विशुद्ध मूर्खता कहूंगा अलका लामा जी, अगर कोई आपके यहाँ ऐसी रणनीति तैयार कर रहा है तो ये विशुद्ध मूर्खता है। नहीं मुझे आपसे सर्टिफिकेट दीपक जी नहीं चाहिए, आप तब के सरकार से लेते रहिए अपने गले में लटकाते रहिए, हमें आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। गजब बेइज्जती है। और वो कह रहे हैं कि यहाँ तो सिर्फ हम हैं, टीएमसी है और हमारी पारी हो रही है। ये सब मूर्खता की बातें, मैं इन सब मूर्खता की बातों पे जवाब नहीं देना चाहती हूँ। एक असल मुद्दे पे बातें होनी चाहिए, थोड़ी गंभीर बातें होनी चाहिए। पौड़ी ओरी वगैरह सोशल मीडिया पर ठीक रखता है। यूपी में अब अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात होती है तो आप उसे घुमा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि इधर उधर की बातें हैं, लेकिन क्या ये आज का सबसे ज्वलंत मुद्दा नहीं है? मतलब एक बंदरिया बैठ के डमरू बजाने लगती है, बड़ 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 नाचने लगती है, आप डमरू बजाते रहते हो। जी का नाम लेके बोला जा रहा है, गंदा दिमाग है, स्मृति जी का नाम लेके 10 बार बोला जा रहा है, औरत का क्या देखना चाहते हैं, किस प्रकार का गंदा दिमाग, आप अच्छे दिमाग से बोल रही थी, आप क्या बोल रही थी, क्या देखना चाहते हैं औरत का, क्या बोल रही थी आप, नॉनसेंसिकल आशा। रुको जरा सबर करो, जानती है साहब किसकी कराते थे। सुप्रिया आपने जो बोला वो सामने है, कुछ कहना चाहती हैं आप? संबित जी ने क्या बोला वो सामने नहीं है क्या? परेशानी की बात होनी चाहिए। असीम वकार, बीजेपी से संबित पात्रा को बिठाया है, उनको बोलने दीजिए, संबित पात्रा के नौकर नहीं है आप। ये आपका सेक्युलरिज्म है क्या? सेक्युलरिज्म के नाम पर भगवानों और इंसानों को गाली दी जाएगी, इसका सीधा जवाब चाहिए मुझे। आप लोग डिबेट को आप जैसे लोगों को मैं सीधा जवाब दूंगा दूंगा, आपको मैं पत्रकार मानता ही नहीं हूँ। बात करिए कौन किसका नौकर है मुझे नहीं पता, बट खटपट खटपट अमित भाई मैं आ सकता हूँ, खटपट खटपट आप बोलते होंगे और बोल रहे हैं खटपट 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 खटपट। अरे कौन भोंक रहा है ये बदतमीज, कारी पत्रकार हैं वो नहीं जा रहे। मतलब आप कहते हैं कि मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ थोड़ी मर्यादा रखिए, अगर पलट के मैं आपको चार शब्द बोल दूं तो कैसे? चुप कर बे कुत्ते। सत्तर साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बनके बैठे हैं या MIM के प्रवक्ता बनके बैठे हैं? अभी बजाएगा ना बिलो। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं नहीं ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था, मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। गजब बेइज्जती है। Ha ha ha!